इस मटके को पेंट करने में ना मुझे पूरा दिन तो नहीं लगेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ फास्ट फास्ट आपसे बातें करते करते इसे कंप्लीट करने की। हाँ वैसे पूरे दिन से ना मुझे डे आउट सेगमेंट की याद आ गई है भाई। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सीरस साम दाम दंड भेद के विजय यानी कि भानु उदय से। इनका सूर्य उदय कैसे होता है, शाम तक ये क्या करते हैं तो पता लगाते हैं। सुना है ये अनाज खाते ही नहीं है, नो कार्ब्स, कैसे जीते हैं ये? पंद्रह मार्च से कुछ भी सॉलिड खाना नहीं खाया। ये मेरा कंट्रोवर्शियल मॉर्निंग रूटीन है, इसे कहते हैं गौमूत्र। मेरा डे इनकम्प्लीट है अगर मैं गौमूत्र ना पीऊं तो। वो जोगी नहीं है लेकिन जोगी से कम भी नहीं है। वो कई हफ्तों खाना नहीं खाता। मेरा खाना ये है, ये 5 किलो गाजर है जो मैं ऐसे कच्ची नहीं खाऊंगा जिसका जूस निकलेगा। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। दंड भेद करना उसे जरा भी नहीं आता और उस पर दिन में कई बार ईश्वर का नाम जपता है ये निराला, जिनके इसी जोगिया रूप से हम आपको रूबरू कराएंगे आज बनकर उनके साथिया। ओहो, विधायक विजय का पूरी जनता को नमस्कार। लगता है आज इंडिया टीवी वाले हमारे घर पर रेड डालने के लिए आए हैं, तो ठीक है इंडिया टीवी के लिए हम आपको हमारे घर में तांगछा करने की आज के दिन थोड़ी सी मोहलत देते हैं। आइए आ जाइए। तो देखिए ये है हमारा घर। सो बेसिकली मैं करीबन 5-6 बजे के करीब उठता हूँ। आज मेरा कॉल टाइम थोड़ा लेट है, 9:30 का है, तो आज मैं उठा कोई 5 बजे के करीब। मैं अपना योगा कर चुका हूँ, थोड़ा सा आप लेट हो गया आने के लिए, लेकिन मेरी आधी अभी रूटीन बाकी है। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह ओम का उच्चारण करता हूँ जिसके बहुत सारे प्रोफाउंड बेनिफिट्स हैं एक्टर की वॉइस के लिए, एक्टर की सोल के लिए। तो मैं रोज़ ट्राई करता हूँ कि कम से कम नहीं तो 21 ओम का उच्चारण करके शूटिंग पर जाऊँ। एक बेसिक मेरा टारगेट ये है कि 1 ओम का उच्चारण मेरा ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए होना चाहिए। दर्शक सोच रहे होंगे कि मैं ओम बोलने के बजाय आम ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, तो एक्चुअली सही उसका उच्चारण यही है। ओम बनता है आ उ और म से, और ये सिर्फ हमारा कोई हिंदू ट्रेडिशन नहीं है। अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखें उसमें भी आमीन है, आप इस्लाम देखें उसमें भी आमीन है। तो ये बेसिकली सोल की क्लेंजिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। भानु ने सास बहू और सस्पेंस को बड़ी ही अच्छी बात बताई, क्यों ना अब फैंस को भानु के घर के दीदार भी करा दे। मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया है, सिर्फ इंडिया टीवी को बाहर से मैं छोटी सी एक ग्लिम्स दे रहा हूं। हां ग्लिम्स दे। चलिए तो अब आपने मेरा पूजा रूम देख लिया, बाकी ये जो है ये मेरे घर का हॉल है, इसका सारा क्रेडिट शालिनी को जाता है। ये एक वुमन्स टच इनफैक्ट आपको शायद फील भी हो। और ये डाइनिंग टेबल बेसिकली मुझे डांट खाने के लिए है, क्योंकि रीजन ये है कि शालिनी कहती है डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओ, मैं कहता हूँ नहीं मुझे वहाँ खाना है। बस ये इस डाइनिंग टेबल का हमारी लाइफ में यही कंट्रीब्यूशन है, खाने के लिए कभी यूज़ हुआ नहीं है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जहाँ पे मेरे बेबी बच्चे अभी सो रहे हैं और इसलिए हम यहाँ अंदर नहीं जा सकते। ये जो है आपको लग रहा होगा कि ये मेरे बेबी का टॉय है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो टॉय है जो मैंने शालिनी को जब हमने डेटिंग करना स्टार्ट किया था और जब हम थोड़े सीरियस होने वाले थे, तो मैंने ये पहला गिफ्ट और मेरे ख्याल से आखिरी गिफ्ट शालिनी को मैंने ये टॉय दिया था। शालिनी बेसिकली रोज एक अपना एक थॉट ऑफ द डे लिखती है, तो अ डे स्पेंट इन लव इज अ डे लिव्ड। भानु की वाइफ ने अपने सपनों के महल को खूब सजाया है, इसी बात पर भानु की स्वीट फैमिली से मिलना भी तो बनता है। गौतम बुद्ध हिंदी नहीं बोलते थे, पाली में बात करते थे। गौतम बुद्ध अपने आप को तथागत बोलते थे, तो जब उसका त से नाम आया था तो ऑप्शंस थे तेनाली रामा और तथागत, तो मैंने तथागत चूज किया। तथागत कोई भी मैं कह रहा हूँ 7 दिन 8 दिन का था और हमने उसके साथ ये फोटोज खींची हैं। भानु के घर के जर्रे जर्रे में उनके बेटे की तस्वीरें हैं और साथ ही बुद्धा का असर भी साफ साफ झलकता है। बात तो काफी हो गई, अब किचन में चलते हैं और साम दाम दंड भेद के सेट की ओर निकलने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अच्छा तो ये मेरा कंट्रोवर्शियल मॉर्निंग रूटीन है,
इसे कहते हैं गौमूत्र। ये मैंने आई थिंक 7-8 साल से मैं पी रहा हूँ और ये मेरी लाइफ का पार्ट है। मेरे घर वालों को अब तक समझ में नहीं आता कि मैं कैसे पीता हूँ। जैसे मैं गौमूत्र बोलता हूँ तो मुंह बनाते हैं, लेकिन मेरा डे इनकम्प्लीट है अगर मैं गौमूत्र ना पीऊँ तो। ये विटामिन सी है, रोज़ सुबह मैं विटामिन सी पीता हूँ। इसके दो रीज़न हैं, एक तो विटामिन सी वैसे पीनी चाहिए और दूसरा मैं अभी फास्टिंग पे हूँ। पिछले 15 दिन से, 15 मार्च से कुछ भी सॉलिड खाना नहीं खाया और ये इनडेफिनेटली चलेगा। ये मेरी बीवी के उसके खुद के बारे में उच्च विचार हैं कि एक तो वो जिद्दी हैं और ऊपर से बदतमीज हैं। नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। बातों बातों में भानु ने चाय बनाई, सास बहू और सस्पेंस की टीम को भी पिलाई और चाय की चुस्कियों के साथ सरगम की तान भी छेड़ी तो दिल की बातें भी बताई। असल में मैंने एक्टिंग को नहीं चुना यार, एक्टिंग ने मुझे चुना। मैंने एक्टिंग बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी, आई थिंक अराउंड 9th क्लास में था मैं। और जैसे ही मैंने स्टार्ट की, इनफैक्ट मेरे पापा ने मुझे भेजा था एक वर्कशॉप करने के लिए, नॉट कि एक्टर बनने के लिए, वो वर्कशॉप करने के लिए भेजा था। और जैसे ही मैंने वो वर्कशॉप की, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक मैं घर आ गया था। इनफैक्ट मेरे पापा बहुत ही शौक से और थोड़े परेशान थे काफ़ी सालों तक कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, मैं थोड़ी चाहता था कि जाके एक्टर ही बनने लगे। अगर ये सब नहीं भी होता तो मैं यही कर रहा होता, मैं बाहर धक्के खा रहा होता, या मैं एक्टिंग क्लासेस में होता, या मैं कोई वर्कशॉप कर रहा होता, लेकिन मैं एक्टिंग ही करता और मैं एक्टिंग ही करूंगा जिस दिन तक मैं मर जाऊं तब तक। हालांकि वो नेता नहीं थे, बट नेता से बहुत कुछ ज़्यादा था, लेकिन मुझे गांधी जी से बहुत फैसिनेशन है। इंडिया टीवी, इसमें कोई सोचने की बात है, आपकी अदालत। बचपन से उस शो को देखते देखते बड़े हुए हैं और रजत शर्मा का जो अंदाज है, एक फनी और एक बड़ा ही सार्कास्टिक किस्म का, मुझे बहुत पसंद है। वो है दिलीप कुमार। उनकी एक्टिंग से ज़्यादा हम जो जिस बारे में डिस्कस करते हैं और फैसिनेटेड हैं कि पुराने ज़माने के जो स्टार थे, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, वो इंसान भी कमाल के थे। मतलब आप उनकी बातें सुने, वो जिस तरह जीते थे वो सुने, वो भी बहुत ही एक कमाल का था। मतलब आपको लगता था कि यार ये स्टार बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसे नहीं कि उनको स्टार बनाया जा रहा है। किस्से कहानियां सुनते सुनते काफी वक्त बीत गया, अब समय हो चुका था सेट की ओर निकलने का। और चलते चलते जनाब हीरो स्टाइल में पुशअप करना नहीं भूले। लीजिए, बातों ही बातों में कब घर से सेट पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। और सेट पर हमें जो पता चला वो ये कि विधायक विजय तो यहाँ सबके दिल पर राज करते हैं। एक साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये हमारा सेट नहीं, आज तो हम कहीं बाहर हैं, लेकिन ये सारे लोग जो हैं मेरे सेट के हैं, इन लोगों ने मेरा मेरी माँ की तरह ख्याल रखा है। सबसे ज्यादा प्यारा डिपार्टमेंट इस सेट पे मेरा स्पॉट डिपार्टमेंट है, जो मुझे मेरी फैमिली जैसा लगता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं इनकी बहुत बड़ी फैमिली, रियल लाइफ में भी इनको मैं बहुत प्यार करता हूँ और रियल लाइफ में तो करता ही हूँ। जो हमारा रिश्ता कैमरा पे है उससे बेहतर, हम क्योंकि कैमरा पे तो हम लड़ते भी हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमारा रिश्ता उससे भी ज्यादा अच्छा है। मेल मिलाप के बाद वक्त है मेकअप का, भानु से विजय बनने का और फिर धार धार एक्टिंग का। शूट के बाद नाउ इट्स ब्रेक टाइम। आज हम आप लोगों के लिए साथ बैठे हुए हैं और इनको खाना दिखाते देख के मुझे बहुत टेम्पटेशन हो रही है, लेकिन ब्रेक में भानु करते हैं सिर्फ बातें क्योंकि खाना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते। मेरा खाना ये है, ये 5 किलो गाजर है जो मैं ऐसे कच्ची नहीं खाऊंगा जिसका जूस निकलेगा। मैंने उनका एक चीज देखा है कि हम लोग खा रहे होते हैं, शो की पूरी कास्ट को हैरान करती है। ज्यादा मतलब क्रेविंग टाइप नहीं होती है क्योंकि उन्होंने इतना कंट्रोल किया हुआ अपने आप को खाने को लेके, ये चीज अच्छी है क्योंकि हमसे तो होती नहीं है। इससे पता चलता है ना कि वो एक्चुअली कितना वो लगता है कि बस नहीं खाना है, नहीं खाना है, सेल्फ कंट्रोल दिखता है। वैसे बात तो हैरान करने वाली ही है भानु, बिना खाए भी आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं। वैसे भानु को बाय बाय करने से पहले हम एक बार शो का टाइटल ट्रैक उनकी पूरी टीम से जरूर सुनना चाहेंगे। विजय मिले ना साम से तो दाम काम आए। इंडिया टीवी के लिए सुधा सिंह की रिपोर्ट। दाम दंड भेद।